जब से मैंने ये चैनल बनाया है तब से एक विशेष समूह के लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बहुत सना आई मीन तनातनी कर रहे हैं कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो उस रिलीजन को हाथ लगा उन लोगों पे बोल के दिखा उस रिलीजन पे बोलेगा तो सर तन से जुदा हो जाएगा मगर मजे की बात यह है कि जिन लोगों से अनोनीमस आईडी से उस रिलीजन का नाम तक नहीं लिया जा रहा वो मुझे कह रहे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ अब यह वीडियो उन अनोनीमस आईडीज के पीछे छुपे कायरों को यह बताने के लिए है कि काफिर होने के लिए गर्दन और इरादे कितने मजबूत होने चाहिए और रही बात हिम्मत की तो इस डायलॉग में बस खिलजियों को काफिरों से रिप्लेस कर दो खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन आज इंडियन थी अचानक से किसी दूसरे रिलीजन के लिए कैसे जाग गया अचानक नहीं जागा बस ये दुनियादारी के चलते ये काम जरा निगेक्ट हो गया मगर देर आए दुरुस्त आए बस अब सफाई देने में कोई देर ना हो जाए उससे पहले मैं क्लियर कर दूं। ये वीडियो किसी रिलीजन पर नहीं है एक रिलीजन को टीवी peace पर प्रीच करने वाले है वो काम वैसे भी हमारे पॉलिटिशियम कर ही रहे मगर एक तरफ कुछ बातें हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है उन्हें फख्र है तिरानवे दो हजार छह मुझे फख्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं तो चलिए बिना किसी मजहब को खतरे में डाले मजहब तो वैसे ही बरसों से खतरे में वो सर्किट का डायलॉग है ना कि भाई ऑलरेडी अंदर है और कितना अंदर जाएंगे ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे कम कम से नमाज तो पढ़ती है हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा वो कपड़े भी अच्छे भी नहीं है मैंने अपनी एक वीडियो रिलीजन वर्सेज वुमेन में कहा था ना कि अगर धर्म के हिसाब से चले तो ना ही कोई ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन सकती है और ना ही कोई सेरेना विलियम्स या फिर सानिया मिर्जा इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर सुअर अगर कीचड़ में लोट मारे तो कोई ताजुब की बात नहीं है क्योंकि सुअर की फितरत है कीचड़ में लोट मारना उसी तरह धर्म के ठेकेदारों की भी फितरत है महिलाओं के खिलाफ जहर उगलना और सिर्फ एक धर्म नहीं ऑलमोस्ट सभी धर्म कहीं कम तो कहीं ज्यादा वो जो नीचे कमेंट करने वाले हैं कि हम तो धर्म है ही नहीं हम तो वे ऑफ लाइफ है हे हे हे। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है अगर आप प्रीत से पूछेंगे कोई भी प्रीस कहेगा इसीलिए आप देखते हैं कि नन नन लोग मुस्लिम आज जैसे लिबास पहने इस्लाम के लिबास पहने पूरा जिसम ढका हुआ है सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर आठ चैप्टर नंबर थर्टी थ्री मंत्रा नंबर उन्नीस में ब्रह्मा ने खुदा ने आपको औरत बनाया है इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको तो हिंदुज्म में भी हिजाब है मैं जो कहना चाहता था वो इसी ने एक्सप्लेन कर दिया कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकनी पहन के खेलना होता है तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए हाँ भेज देंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट नहीं है तब भी भेज देंगे वो क्या है ना कि हम एथिस्ट धर्म की अफीम और पितृसत्ता के नशे दोनों से दूर हैं तो हम महिलाओं को देवी या नौकर दोनों नहीं मानते अब क्योंकि नौकर तो आपके बराबर नहीं होते और ना ही देवियों के ह्यूमन राइट्स होते हैं तो हम एथीस महिलाओं को इंसान ही समझते हैं ताकि उनके ह्यूमन राइट्स और उनकी फ्रीडम दोनों के रिस्पेक्ट की जा सके वो एक शेर है ना औरत के होने में बाधा से नहीं बनोगे तुम चाचा पापा दादा से नहीं बनोगे तुम इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मुल्क रिलीजन से चला है वहां औरतों की दूरदशा ही हुई है के के क्लेम से किताब में लिखा हुआ है कि धरती और आसमान पहले जुड़े हुए थे फिर हमने उसे अलग किया हमने मतलब वो उस वर्ल्ड ने जिसका नाम नहीं लिया जा सकता ही क्लेम्स की यही बिग बैंग का रेफरेंस है और यही बिग बैंग को दर्शाता है ये बिग बैंग को नहीं दर्शाता अलग अलग रिलीजन में बरसों पहले उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेके अलग अलग बातें लिखी हुई हैं जैसे ये दुनिया सात दिन में बनी थी या फिर ये दुनिया किसी गॉड के सपने में है या फिर किसी गॉड के फूक मारने से दुनिया अस्तित्व में आई वगैरह वगैरह और एक रिलीजन में तो एक कॉम के ओरिजिन को ही जांगों से बता दिया है मगर अब ज्ञान का प्रकाश एक न एक दिन अंधकार को दूर कर ही देता है और एक दिन इंसान को पता चल ही जाता है कि सन कोई गॉड नहीं है हमारा सन एक स्टार है जो कि एक गैलेक्सी के बिलियन्स ऑफ स्टार्स में से एक है और ऐसी गैलेक्सीज के ग्रुप्स भी बिलियंस है यूनिवर्स में बिग बैंग में किसी दिन एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा जिससे उन लोगों के पर दूर हो जाएंगे जो कहते हैं कि बिग बैंग हमारी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है और उनके भी जो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ ही नहीं है अब साइंस तो गले की हड्डी हो गई रिलीजन के लिए ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं अब साइंस तो ओरिजन ऑफ यूनिवर्स और बहुत सारी चीज़ों को लेके धर्म से अलग बात कर रहा है अब क्या करें एक काम करो अपने रिलीजियस बुक्स में ढूंढो किन की डिस्कवरीज से मैच करता हुआ कुछ मिल रहा है क्या देखो कि इनकी कौन कौन सी डिस्कवरी से हमारी किताब की तारें जुड़ सकती हैं बाकी तो हम रिलीजन हैं कहानी बनाना तो एक्सपर्टीज़ है हमारी हम एवोल्यूशन को अपनी किताब से जोड़ पा रहे हैं बहुत बढ़िया अब कहना शुरू कर दो कि एवोल्यूशन हमारी किताबों में पहले से मैंशन था हम बिग बैंग से अपनी किताब के तारे जोड़ पा रहे हैं बहुत शानदार अब तुम भी कहना शुरू कर दो कि हमारी किताबों में हम इसका पहले से रेफरेंस था हमारी किताब में बिग बैंग से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा कोई बात नहीं कहना शुरू कर दो कि बिग बैंग हुआ ही नहीं है बिग बैंग थ्योरी दुनिया कैसे बनी फूट के उससे लिखी ना थ्योरी बना हमारी किताब में एवोल्यूशन से कुछ मैच नहीं कर रहा कोई बात नहीं तुम कहना शुरू कर दो कि एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। the the मोस्ट ऑफ़ में बिग बैंग था एवोल्यूशन था एरोप्लेन था एटम बॉम्ब भी था मगर अफसोस कि कोविड से मरते लाखों लोगों के लिए कोविड वैक्सीन नहीं था आपने कभी गौर किया कि कि किसी भी धार्मिक किताब में डायनासोर्स का मेंशन नहीं है क्योंकि जो भी धार्मिक किताब जिस भी वक्त जहाँ भी कंपाइल हुई उसमें उसी वक्त का उसी जगह का नॉलेज आ पाया फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में पले बड़े रिलीजन की किताब में आपको सिर्फ मिडिल ईस्ट का फ्लोरा फ्लोराफोना ही मिलेगा इंडियन सब में पले बड़े रिलीजन की किताबों में आपको सिर्फ यहीं का फ्लोरा फ्लोराफोना मिलेगा फ्लोरा एंड एनफोना मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु रिलीजन्स को कंपाइल हुए कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं और डायनासॉर्स के बारे में हमें कुछ सेंचुरीज पहले पता चला रिलीजंस मजनू भाई की पेंटिंग है मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ आंखों देखा तो कुल मिला के बात यही कि जब आपने घोड़े और गधे को देखा हुआ हो तभी आप ऐसा मास्टर बना सकते हैं अब साइंस की किताबें तो डायनासोर्स को इंक्लूड करके अपडेट हो जाती हैं मगर ये तो रिलीजियस किताबें हैं उसमें भी ये तो मोनोथीस्टिक अब्राहमिक रिलीजन की किताब है जिसमें अब कोई गुंजाइश नहीं मॉडिफिकेशन की ज़किर नायक उसके हिसाब से साइंस के बारे में सब कुछ सही कहता है क्योंकि वो एक मेडिकल डॉक्टर है अब ऑलरेडी इस देश में साइंस के बारे में बकवास करने वाले सो कॉल्ड मेडिकल डॉक्टर्स की कमी थोड़ी है तो गाय के गोबर का सेवन करती थी देखिए ये भी बड़ा निर्मल होता है इसका भी उपयोग कर सकते हम इसे खाना चाहिए हमें धर्म के ठेकेदारों को साइंस के बारे में बकवास भी करनी है और उसे नीचा भी दिखाना है मगर जब कोई चश्मा पहनकर साइंस को नीचा दिखाता है तो मुझे बड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है साइंस को डिनाई कर रहे हैं साइंस की इंसल्ट कर रहे हैं और ठीक से देखने के लिए यूज क्या कर रहे हैं साइंस का दिया हुआ चश्मा लोगों को लगता है कि मज़हब हवा में कोई एक चीज़ है तो इस तरह की बातें करते हैं कि मज़हब तो अच्छा है ये लोग खराब है जो दूसरों की जान ले रहे हैं ये लोग ही तो मज़हब हैं अरे ये धर्म अच्छा है ये लोग जातिवाद फैलाते हैं ये लोग ही तो धर्म हैं किसी आइलैंड पर रिलीजियस बुक्स रख देने से वहाँ रिलीजन एग्जिस्ट थोड़ी करेगा रिलीजन के होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ कुछ लोग हो जो फॉलो करते हों रिलीजन को मानने वाली ही रिलीजन है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट दी एंड हमें रहना तो इंसानों के साथ है ना क्या फर्क पड़ता है किताबों में क्या लिखा है और खैर किताबें भी कोई पाक साफ नहीं है उनमें भी लिखी तो बहुत खतरनाक बातें ही हैं हैं सम रिसर्च ऑन जाकिर नायक उठे पर जाने से नचनिया के बारे में जान लेते चितवन क्या उसकी है तो रिसर्च में पता चला कि जाकिर नायक करीब 2016 से इंडिया के बाहर से रख रहा है क्योंकि इंडिया में उसके चितवन को इंडियन एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है खतरे की वजह जाकिर नायक पर चल रहे कुछ मुकदमे और उसकी स्पीचेस जिससे युवाओं में धार्मिक कट्टरता बढ़ती है और वो अपराध की दुनिया में शामिल हो जाते हैं केरला की -कोड़ के कोडी में चलती ट्रेन के कोच में आग लगाने वाला आरोपी शाहरुख सैफी पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कट्टरपन थी और जाकिर नायक से काफी ज्यादा इन्फ्लुंस भी है ये उन हजारों इंसिडेंट्स में से बस एक किस्सा है जो भी महज बीस दिन पुराना है इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे जो रिलीजियस नहीं है वो भी बुरा काम कर सकते हैं और करते हैं मगर रिलीजन के साथ आपको बुरा काम बुरा नहीं लगता और उल्टा उसके ऊपर प्राउड फील होता है जाकिर ताकि अपनी स्पीचेस में अपने मज़हब को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को लॉजिकली क्रिटिसाइज करता है हर इंसान को अपना ही रिलीजन लॉजिकल और बाकी सारे रिलीजन इ लॉजिकल लगते हैं इंसान बस अपने रिलीजन को छोड़कर बाकी सभी रिलीजनस के लिए होमोसेपियन होता है होमोसेपियन मतलब समझदार इंसान मैं चाहता हूँ उस वीडियो को मुस्लिम ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि अगर आपकी कम्युनिटी से कोई गंद फैला रहा है तो ये आपके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे साफ़ करें हिंदू कम्युनिटी में अगर कोई गलत बात कर रहा है तो ये हिंदुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे कॉल आउट करें मैंने पहली बार और पहले ये बात मुस्लिम से इसलिए कही क्योंकि हिंदू इन मैटर्स में मुस्लिम से ज्यादा बेटर स्टैंड लेते हैं बेटर स्टैंड से मेरा मतलब उनका नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन और उसकी इंटेंसिटी मुस्लिम से बेटर होती है मैं हिंदू रिलीजन में पला बढ़ाऊँ और मुझे उसके बारे में ज्यादा बातें पता है बस इसीलिए मैं उससे रिलेटेड ज्यादा वीडियोज बनाता हूँ कोई भी इस तरह की गलत मत रहना कि मुझे इस्लाम या फिर पाकिस्तान से कोई खास लगाव है या हम है बस इस बार मेरा मूड हुआ तो मैंने रक्तबीज का निशाना दिल्ली से हटा के कराची पर लगा दिया हम जिस टाइप के आदमी हैं ना लाला उसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता कि हम कब और क्या करेंगे ईद मुबारक